Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every. मैं आज ये तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जब गुस्ताखी हो रही है तो आप यकीनन सो रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक मुसलमान हमारा भाई त्रिपुरा का भाई जल रहा है और जो है हम तमाम गरम बिस्तरों पे सो रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। मैं यकीनन अफसोस के साथ ये बात बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा एक भाई कहीं परेशान है तो हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि तुम भी कलमे की हैसियत में उन्हें भी आपका भाई है, वो हैसियत से आप जो है परेशान होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ जो है हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, यहाँ के इस हिंदुस्तान में जो है हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, इस दास्तां तक ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। याद रखिए, आप ये मेरी बात को याद रखिए, अगर आप अपने हक के लिए अपने वजूद के लिए नहीं उठेंगे तो यकीन मानो आप इस हिंदुस्तान से आपकी शिनाख्त मिट जाएंगी। ये मेरा चैलेंज है। और दूसरा मसला, यहाँ की हिंदुस्तान की हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। डूब चुन्नी भर पानी में जो है अमित शाह तुम डूब मरो, वहाँ पे त्रिपुरा में लंगा नाच खेल रहे हैं मुसलमानों के साथ। हमारी जो है इस हिंदुस्तान में 1000 साल तक जहाँ बानी हो हुकुमरानी हमारे बादशाह करे, यहाँ पे तख्त भी हमारे थे और ताज भी हमारे थे, लेकिन कभी हम जो है फिरका परस्ती की बात नहीं की। जब कभी भी बादशाह हमारे मुसलमान होते थे तो उनके साथ वजीर कोई नॉन माइनॉरिटी हिंदू होता था है। ये जो है हमारा हिंदुस्तान की जो है गंगा जमनी तहजीब है, ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है। अब यहाँ पे त्रिपुरा में लंगा नाच खेल रही, आप आखिर करना क्या चाह रही है? हिंदुस्तान की हुकूमत समझ में नहीं आ रहा। मेरा गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से मुतालिबा है कि फौरी तौर पर जो लोग वहाँ के दहशतगर्दी जो फहरा रहे हैं वो लोग को फौरी तौर पर हुकूमत हिंदुस्तान उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, एक्शन ले। और मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, 65-70% हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई सेकुलर है, लेकिन आज ये 30-25% जो लोग आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू वाहिनी और जो है भगवा विद्या के लोग, ये तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं और हम मुसलमान अमन फैलाते हैं। हम क्योंकि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत ही है, हम रहमत फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मेरी मुतालिबा है आप तमाम मुसलमानों से कि आप अपने अपने घरों में रह के कम से कम एहतजाज करिए। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज हम एहतजाज नहीं करेंगे तो खुदा की कसम आने वाले 5 से 10 साल में हमारी यहाँ से शिनाख्त मिट जाएंगी। ये जो है आप गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ये हमारा जो है हमको फिक्र करने की जरूरत है। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि और गोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया जो मोदी के गोद में बैठे हुए है, ये इन लोगों के जो है इन लोगों के सीनों पे सांपे लौट गए हैं। अगर त्रिपुरा में अगर मुसलमानों को जो है बर्बरियत और लंगा नाच उनके साथ खेल रहे हैं तो ये गोदी मीडिया नहीं बताती है। और एक हमारा एक क्रिकेटर मोहम्मद शामी अगर कुछ गलती करता है तो उसको जो है उसके साथ वबाल मचा देते हैं, ये गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया से भी हमारा को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। तुम जो चाहे करते रहिए और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला होते रहेगा, ये हमारा चैलेंज है। और मैं बिलखसूस बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारी कमेटी के एडवाइज़र मोहम्मद इनायतुल्ला खान साहब का, सैयद जलाल हुसैन साहब का और खुर्रम भाई का, हामिद का, सैयद सुबान का, मोहम्मद अब्दुल सुबान का और बिलखसूस मेरे बड़े भाई मोहम्मद सैयद उस्मान अली साहब का, तमाम का मैं दिल की गहराइयों से फर्दन शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मौके पे आप तमाम आए। और बिलखसूस मैं हुमायूं नगर पुलिस का भी मैं बेहद थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो है हमको ये
मौका फराम किया। बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद का निजामी सायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।